जय इन सभी भाइयों। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिविल पुलिस कांस्टेबल और पीएससी के कांस्टेबल में सैलरी में क्या डिफरेंस है। क्या सिविल पुलिस के कांस्टेबल को ज़्यादा सैलरी मिलती है या फिर जो है पीएससी के कांस्टेबल को जो है ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो सिपाही की नौकरी है वह 2000 ग्रेड पे स्केल की नौकरी है और इसका जो है बेसिक वेतन 21,700 रुपये होता है। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपको बेसिक वेतन जो है 21,700 मिलेगा। उसके बाद अब इसमें जो है कुछ भत्ते ऐड होते हैं, जैसे कि इसमें हो गया एक महंगाई भत्ता हो गया आपका जो है, उसके बाद आपका एचआरए हो गया, हाउस रेंट का एक अलाउंस मिलता है, उसके बाद आपको जो है फूड अलाउंस मिलता है और ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो कुल मिलाकर आपको जो है ट्रेनिंग के टाइम पर 27,000 से 28,000 रुपये जो है सैलरी इसमें टोटल मिलाकर मिलती है। अगर आपका जो है एनपीएस कटना स्टार्ट हो गया तो 10% वो सैलरी का कटता है, तो 27,000 का 10% 2700 कट के उसके बाद आपकी सैलरी आती है। अगर आपका जो है ट्रेनिंग में एनपीएस नहीं कटता है तो वो जो है ट्रेनिंग के बाद कटना स्टार्ट हो जाता है। एनपीएस क्या है? एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जो पीएससी होती है, पीएससी करती है मूवमेंट। अगर आप अपनी बटालियन से, उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल जो है 33 बटालियन है, हर जिले में जो है एक एक दो दो बटालियन है, जैसे गाज़ियाबाद में 49 हो गई, 41 हो गई, मेरठ में 44 हो गई और 6 बटालियन हो गई, अलीगढ़ में हो गई 38 बटालियन, बरेली में हो गई 8 बटालियन, उसके बाद सीतापुर में हो गई बटालियन, प्रयागराज में भी है। तो अगर आप अपनी बटालियन से 10 किलोमीटर दूर मूवमेंट करते हो तो आपको जो है डीए मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कितना मिलता है? तो सिपाही को, एक कांस्टेबल को जो है, अगर आप जो है हाई सिटी में हो तो 390 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है सैलरी के अलग। अगर आप लोअर सिटी में हो तो ये मिलता है 290। ठीक है, उसके बाद एक और होता है, उसमें 240 रुपये मिलता है जो लोअर सिटी होती है। ठीक है, यही जो है सैलरी में डिफरेंस आता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पीएससी के कांस्टेबल को जो है एचआरए नहीं मिलता, जो है सिविल के कांस्टेबल को तो इसमें जो है एचआरए मिलता है, और जो है बाकी सब सेम, सब फूड अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है सब सेम है। और अभी एक भत्ता और ऐड हो गया इसमें, सिम भत्ता भी अब जो है मिलने लगा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ जो सिविल पुलिस के कांस्टेबल को पर मंथ जो है, आप ये लगा लीजिए कि उनको एचआरए मिलता है, एचआरए उनका ऐड होता है, ये 2400 से 2500 रुपये उनका एचआरए मिलता है, और जो है पीएससी को नहीं मिलता, पीएससी के कांस्टेबल को एचआरए नहीं मिलता। तो पीएससी के कांस्टेबल को एचआरए कब मिलता है? पीएससी के कांस्टेबल को एचआरए मिलता है जब जिस भी बटालियन में उसकी पोस्टिंग हो और उसी शहर में जो है उसका घर हो, तब वो जो है एचआरए का इसमें हकदार होता है, जहाँ तक मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसमें सैलरी में अगर जो पीएससी को जो है डीए मिलता है, तो डीए जो है सैलरी के साथ नहीं आता, एक बात आप ये सुन लीजिए, वो 4 से 5 महीने के बाद आता है। तो सैलरी दोनों की सेम है, 1500 रुपये का जो डिफरेंस जो है दोनों में है। उसमें जो है आपका जो है एचआरए मिलता है, सिविल पुलिस के कांस्टेबल को एचआरए मिल जाता है उसमें, और जो है उनका खाने का खर्चा ज़्यादा होता है, उनको जो है तेल का भी उनका खर्चा लगता है। तो कुल मिलाकर जो है सिविल के कांस्टेबल को और पीएससी के कांस्टेबल को सैलरी बराबर ही मिलती है, इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 500-1000 रुपये का डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो, अगर आप ये मानो कि हर महीने जो है पीएससी का एक कांस्टेबल जो है सैलरी से अलग जो है डीए का 12 से 13 हज़ार रुपये कमा लेता है, तो उसकी जो है कुल सैलरी 41 से 42 हज़ार रुपये जो है पड़ जाती है, लेकिन वो डीए 6 से 7 महीने बाद आता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, और सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की सैलरी सेम है। ठीक है, कुछ दोस्त पूछे थे कि सैलरी के बारे में बताओ, तो मैंने आपको बता दिया है सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, यही डिफरेंस है कि उसमें उसको जो है डीए मिलता है पीएससी कांस्टेबल को, वो भी जो है थोड़ा 5 से 6 महीने में इकट्ठा आ जाता है। ठीक है, तो उसकी सैलरी आप लगा सकते हो कि 41 से 42 हज़ार रुपये पड़ जाती है। ठीक है, जय हिंद।